मशीन अभी मैं मशीन पे बैठी हुई थी ना, तो काम कर रही थी, तो मशीन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो वही मैं ठीक हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड नाइट वाला टाइम है वैसे तो ये। और क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ मशीन को ठीक कर रही हूँ, आप देख, मैंने जैसे कि कहा, और मतलब रोशनी भी जैसे कि बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो बेटे को पकड़ाया मैंने, कहा थोड़ा सा पकड़ बेटा, ट्राईपोड जैसे कि आपको पता ही है ख़राब हो गया, बहुत परेशानी हो रही है। और मशीन है ना, बहुत खड़क 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 करके चल रही थी, मतलब बहुत साउंड कर रही थी, तो मैंने देखा तो काफ़ी इसमें धूल मिट्टी हो रही थी, धागों के रेशे बहुत ज़्यादा इसमें हो रखे थे, तो वही सब कर रही थी। और ये मैंने पकड़ाया था बेटे को, पर वो शेक कर रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, परेशान मत होना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस ये ठीक करने के बाद ही मैं मशीन पे सोती हूँ। मेरे को यही थोड़ा बहुत टाइम जब भी मिलता है ना, तो मैं अपना यही सब काम करती रहती हूँ। और ये व्लॉग है ना, उसी दिन का है जिस दिन आपको व्लॉग मिला है ना, उसी दिन के नाइट का काम है। तो यहाँ पर ये है मेरा नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे लंच वगैरह सब हो चुका है और दोपहर का टाइम है, दोपहर का भी नहीं कहेंगे, 11:30 ही हुए हैं, तो आप ब्रेकफास्ट ना कह सको, लंच भी नहीं कह सकते, ब्रंच कह लो, जो कह लो, पेट भर ही जाना है, तो जब खा लो। तो यहाँ पे चाय नाश्ता तो हो चुका था, अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, मतलब काम सारा हो चुका है, नहाना धोना सब, तो बस अब ये मैं फटाफट से बनाऊंगी। एक बार आलू के पराठे, पिट्ठी मैंने बना चुके हैं, कई बार मैंने शेयर भी की है आप लोगों के साथ। तो यहाँ मेरी प्याज मैं अलग से काटती हूँ, क्योंकि बेटा खाता नहीं है, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, जो आप लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं मेरे, तो उनको पता ही है। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने प्याज कट कर ली है, और वहाँ मैंने भरता बना लिया था आलू का, तो बस इन्हें फटाफट से बनाएंगे गरम गरम। बहुत ही अच्छे लगते हैं आलू के पराठे मेरे घर में सभी को, और आप भी खा लीजिए। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं मुझे बताना कमेंट करके। और यहाँ सब ये बटर डाल के खाते हैं ऊपर से, पर आज बटर ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो कंजूसी करनी ही पड़ती है ना घर में, तो यहाँ पे तो है नहीं आज, तो आज मैं जस्ट ऐसे ही बनाऊँगी और ऐसे ही दूँगी। तो बटर होता है तो फिर सीखने के बाद बटर करते हैं। तो एक पराठा मैंने प्याज करके बना दिया, अब ये दूसरा पराठा मैं प्लेन वाला बनाऊंगी, क्योंकि वो दोनों ही साथ खाते हैं, पापा बेटा दोनों साथ खाते हैं हमेशा खाना, तो फिर साथ में ही उनको चाहिए, तो ऐसे ही करती हूँ, एक प्याज का एक वैसा, एक प्याज का एक वैसा बनाती हूँ जब तक वो दोनों खाना खाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, भगवान बड़े होकर भी है ना, ये साथ ऐसे ही खाते रहें, लड़ें झगड़े कुछ भी करें अभी, पर साथ रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मैं देखती हूँ यार, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, और माँ बापों को नहीं। मैं बहुतों को देख रही हूँ आज के टाइम में भी, पर मैं बस यही चाहती हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें बड़े होकर भी, पर एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि जो ये चीज़ समझें कि हाँ ये मेरे पापा हैं और जो कह रहे हैं वो सही है। तो मेरे लिए तो यही बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी अपने बड़ों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। और यहाँ मैं दही कर रही हूँ, ये जो मट्टी का जो था ना, ये रसमलाई आई थी आपको याद होगा एक बार, तो मैं उसी में इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया था, और मैं इसी में ही दही जमा रही हूँ आजकल, तो ये हो गया रेडी, आप खा लीजिए। क्या, तो मैं अभी मिल तो अभी जो है 4:30 होने वाला, 4:15 हुए हैं, और यहाँ चाय नाश्ता का काम चल गया है अपना, तो यहाँ चाय बनाने रख दी है मैंने, और यहाँ चल रहा है कुछ हेल्दी सा कुछ बनाने का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो ये है काले चने, और इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, और यहाँ काट ली है प्याज टमाटर हरी मिर्च, तो चलो बनाते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम इसको इसमें डाल देंगे, ये वाला इसमें डाल देंगे, मेरा ट्राईपॉड है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मतलब रोक नहीं रहा है इस मोबाइल को, अभी अभी खूब ऊंचे से गिर गया, तो इसीलिए मैं हाथ से काम कर रही हूँ। तो ये देखिए नमक, काला नमक, और थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, और चाट मसाला डालती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने नींबू भी डाल दिया, और
धनिया भी डाल दिया है और सब मसाले भी मिक्स कर दिए हैं। तो चलो मैं इसे सर्व कर देती हूँ इनको। चाय भी ऑलमोस्ट बन गई है, तो चलो कर देते हैं पहले। तो ये हो गया है तैयार, आप भी खा लीजिए, कितना बहुत ही टेस्टी लगा था और हेल्दी का हेल्दी है, तो खाना ज़रूर मत करिए ना बेटा। ये सब गमले किसने हटाए हैं? क्यों? तो किसने कहा अभी आपको? और पता है ना आपको, और बारिश आएगी। रहने तो, चलो अब छोड़ दो तनिया, अभी और बारिश आएगी बेटा। अब आप गमलों को साइड में रख दो सारे। हाँ तनी, धूप थोड़ी ना निकल रही है जो सूख जाएंगे। चलो उठा के रख दो फटाफट, जल्दी करिए, छोड़ दो उसको वहां। अच्छा चलो जल्दी से गमले रख दो, बस गमले रख दो फटाफट से। बेफालतू में थक रहे हैं ना, चलिए रखोगे अब? तो अब बस शाम का रूटीन शुरू हो गया है, जो कि पूरा फैला रखे हैं। और बाहर बहुत तेज बारिश हुई है आज, बहुत ज़्यादा मौसम इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल ठंडा मौसम हो चुका है। और सही में यहाँ पे अभी गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, जैसे दिल्ली में हो गई है काफ़ी गर्मी, यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। और बारिश हो जाती है उस टाइम तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आपने देखा ही होगा मेरे कमरे में, यहाँ तक कि अभी भी ब्लैंकेट रहता है, क्योंकि मौसम चेंज होता है वैसे ही हो, मतलब ठंड लगना शुरू होती है तो हल्का हल्का पंखे चलते हैं ना, तो उसमें हमें ना चाहिए होता है मतलब कंबल। तो यहाँ मौसम बहुत बेस्ट रहता है देहरादून में। तो बस अब मैं चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ, जो भी जहाँ रखी रहती है वहीं पे रख रही हूँ। और डेली का है इवनिंग का रूटीन तो ये मेरा कि भाई ये चीज़ें करनी ही है। बच्चे हैं घर वाले, बच्चे जिस घर में होते हैं उस घर में तो बस पूछो मत के सामान एक जगह रह ही नहीं सकता। और अगर आप मेरी इस बात से वाकिफ़ रखते तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहता है या फिर वो बार बार करना होता है। मेरे तो बच्चे बहुत ज़्यादा सामान छेड़ते हैं, मतलब मेरा इवन मशीन का सामान बहुत छेड़ता है कोई भी, तो बस उन्हीं को मैं रख रही हूँ सामान को, क्योंकि बहुत सामान इधर उधर कर देते हैं। पर्दे मतलब इसलिए खोले थे क्योंकि जैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, जब बारिश हो रही थी तो घर में से जो गर्म गर्म हीट सी बन जाती है ना घर में, तो वो बाहर निकले और ठंडी हवा घर के अंदर आए तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम पे पर्दे हमने खोल दिए थे। यहाँ किचन में दिखा रही हूँ आपको कि मतलब मेरे बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब बर्तन मांगने हैं मुझे। बस मैं यही दिखा रही थी क्योंकि मेरा ट्राईपॉड टूट गया है बिल्कुल आज, फाइनली आज बिल्कुल ख़त्म। तो मेरा फ़ोन इतनी ऊंचाई से गिरा उधर मशीन पे से, तो मेरा फ़ोन टूटते टूटते बच गया, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही अब। तो अभी चाय वगैरह हो चुकी है, बस मैं बर्तन ही उठा रही थी। और अब क्या है ना, बिना ट्राईपॉड के परेशानी होती है, फ़ोन को हाथ में ले लेके डोलना पड़ेगा। ट्राईपॉड टूट चुका है बिल्कुल ही, आज मैं इनसे पूछ ही रही थी, मैंने कहा कि यार एक इनके मतलब फ्रेंड की दुकान है, तो मैंने कहा वो दुकान खुल जाएगी क्या इस टाइम पर कि मेरे को ट्राईपॉड ला दो। कहते तो पागल हो गई है क्या, लॉकडाउन में कोई दुकान खोलेगा अपनी? और है ना मच्छर बहुत हो गए हैं, मच्छर आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, दरवाजा ओपन रहे ना तो मच्छर आ जाते हैं। मच्छर भी मोटे मोटे हैं, सांप दिखाई देते हैं, पहले कभी तो हल्के हल्के हुआ करते थे। तो शाम हो चुकी है, ज्योतवाती का भी टाइम हो गया, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी है। करने के बाद इस कमरे में आ गई हूँ, इस कमरे में थोड़ी सी रोशनी बेटर है पहले से। और ये गए हैं ऊपर थोड़ा सा खेलने हलने, मैं नहीं गई, मैंने कहा चलो इतने मैं अपनी वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ। तो आज कुछ सोच रहे थे कि आज है ना हम कचौरियाँ बनाएंगे दाल वाली, जो जिस तरीके की कचौरी हम बनाएंगे ना, तो मतलब वो बना के रख सकते हैं और कई दिन तक खा सकते हैं, तो वो सोच रहे थे, पर इच्छा नहीं हुई बनाने की, थकावट हो रही है उनको भी, और मेरे से अकेले नहीं होता, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो जाता है। और बस इसी वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, अभी अभी जस्ट है ना मैं कमेंट, चाय पीती पीती है ना मैं कमेंट रीड कर रही थी, तो मेरे पास है ना कमेंट आ रहे थे,
मेरी गोल्ड ज्वेलरी वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे कमेंट आ रहे हैं कि आप बहुत झूठ बोलती हो और आप इतना झूठ बोलती हो तो हम आज के बाद से हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे और गोल्ड ज्वेलरी बोल के रोड का सामान दिखा रहे हो। तो पहली बात तो जो कमेंट करते हैं ना, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो लोग पहली बात तो वीडियो नहीं देखते वो पूरी, है ना। इस साइड रोशनी कम आ रही है ना, तो एक तो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी अगर आप लोग मेरे को रेगुलर देखते हो तो आप लोग जानते होंगे, और क्योंकि मैं कोई भी चीज झूठ नहीं बोलती, कभी भी आपको झूठ बोल के गुमराह नहीं करती हूँ। हाँ, थंबनेल थोड़ा हम कैचिंग लगाते हैं कि लोग बाग अट्रैक्ट हो। कौन नहीं चाहेगा यार, यूट्यूब पर जो भी काम कर रहा होगा वो यही चाहेगा ना कि हमारी बंदा कोई वीडियो हमारी देखे और आ जाए, ठीक है ना। कोई भी मतलब खोल के देखे। थंबनेल होता किस लिए? इसीलिए होता है कि हम थंबनेल ऐसा क्रिएट करें कि लोग बाग मतलब वीडियो को खोलने पे मजबूर हो जाए। तो मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, मैंने तो इधर आ जाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा हाँ इधर थोड़ी रोशनी है, तो इसीलिए तो थंबनेल लगाया जाता है। तो उसमें मैंने लिखा था गोल्ड ज्वेलरी, पर वीडियो ही स्टार्ट करते ही मैंने कह दिया था कि आप लोग कोई भी गलतफहमी में मत रहना कि ये जो वीडियो है मेरी रियल गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, ये मेरी आर्टिफिशियल है पर सारी गोल्ड है। मतलब ऐसा नहीं था कि सिल्वर कलर की दिखा रही हूं मैं, पिंक कलर की दिखा रही हूं, ऐसा नहीं था, सारी मेरी गोल्ड ही ज्वेलरी थी। तो जो शब्द मैंने उसमें यूज किया था ना, वो मैंने थंबनेल पे लगाया था। तो अगर मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि जल्द ही मैं आपके साथ अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी शेयर करूंगी, कि इतनी तो नहीं है पर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये जो ज्वेलरी है ये मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। पर फिर भी लोग बाग मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना, आप देख सकते हैं मेरे उस वीडियो में जाके, तो आप लोगों को पता चलेगा। और इतना बड़ा मैटर लिख देंगे जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया, मतलब करके मतलब बस नहीं जी आपने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और मतलब फालतू वाली बात होती है ना। पहले वीडियोस पूरी देखो, उसको समझो। मैं हमेशा से अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या मैंने ये बात गलत कही है या नहीं, मैंने अपनी वीडियो में कहा है या नहीं, ये भी मुझे बताना। क्योंकि मैंने तो अपनी वीडियो में क्लियरली कहा था कि ये मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, रियल गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। पता नहीं लोगों को क्या, अरे यार तुम्हें नहीं समझ नहीं आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही, पहले में पता चल गया तो स्किप करो, जरूर है क्या। बहुत से लोग थंबनेल में इतना कुछ लिख देते हैं, वही वाली बात होती है ना, खुदा पहाड़ निकली चुइयां वाला काम होता है। थंबनेल इतना कैचिंग लगाते हैं, इतना बड़ा बड़ा कुछ लिख देते हैं, भैया ये हो गया, दुख की पहाड़ टूट गया, आज ऐसा हो गया, अरे देखो तो कुछ भी नहीं होता। तो थंबनेल पे आप अगर जाएंगे तो ये आपका फॉल्ट है, ठीक है ना। थंबनेल हम लोग लगाते ही हैं कि लोग बाग हमारी वीडियोस देखें, और अभी ये आ गए हैं ऊपर से। तो चलो, चाय पानी हो चुका है, बर्तन वगैरह मेरी किचन वगैरह सब क्लीन कर दी है मैंने, और अब खाने का कोई जुगाड़ वगाड़ है नहीं, हाथ मार के रोटी बनेंगी, क्योंकि दलिया भी रखा है। कल दलिया जो बनाया था ना वो उस टाइम पे खाया नहीं, और दलिया भी रखा है कल रात को जो बनाया था, तो ये तो दलिया ही लेंगे, मैं भी दलिया ही लूंगी, दूध लेके आना है मुझे अभी। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत मोटिवेशन देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो देसी खाना दलिया आप लोग भी खा लीजिए, सिंपल सुपर सा खाना और हेल्दी खाना होता है। तो चलो, आज का डिनर जो है वो हमारा यही है, बहुत तेज आवाज आ रही होगी टीवी की, तो चलो हम ये फिनिश करते हैं, आप भी अपना डिनर एंजॉय कीजिए। तो चलिए, बाय बाय।